सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक कम लोकप्रिय परंतु महत्वपूर्ण आसन बतलाने जा रहा हूँ, जिसको जिह्वा चालन आसन कहते हैं। इसमें यह जीभ को चलाने के लिए है। वैसे तो हम लोग जब खाते हैं तो जीभ चलती ही चलती है, परंतु इस आसन के कुछ विशेष लाभ होते हैं। अब इसमें आपको करना यह है कि जीभ को चलाना है। कैसे चलाएंगे यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन चलाने के पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस आसन को करने के पहले आप शौच क्रिया से निवृत्त हो लेंगे और पेट आपका खाली होना चाहिए। खुले स्थान पर बैठेंगे, कंबल वगैरह बिछा लेंगे या दरी बिछा लेंगे या सोफे पर भी बैठ करके कर सकते हैं, और किसी भी सुखपूर्वक बैठे जाने वाले आसन में आप कर बैठ सकते हैं। इसमें पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, भद्रासन हो, स्वस्तिक आसन हो वगैरह वगैरह। तो उसमें बैठ करके आप करेंगे क्या, जीभ को निकाल करके ऐसे ऐसे गोल गोल चलाएंगे, 11 बार घड़ी की दिशा में, 11 बार विपरीत दिशा में। पहले ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से चलाएंगे, फिर उसको उलट देंगे, यानी दांतों का मार्जन करते हुए। इसके बाद गाल में इसका प्रेशर लगाएंगे, जोर से दबाएंगे 11-11 बार, फिर जीभ को बाहर निकाल लेंगे। पूरी एक सांस तक आप निकालेंगे जितने जोर से बाहर निकाल सकते हैं, फिर जीभ को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से आप करेंगे, जीभ को मोड़ लेंगे पीछे की ओर, जैसे खेचरी में मोड़ते हैं, और चलाएंगे उसको ऐसे ऐसे। इस तरह से इसको चलाएंगे, फिर जीभ को गोल कर लेंगे, फिर जीभ को पलट लेंगे। अब उल्टी दिशा में, यानी भीतर से इसको मोड़ेंगे, भीतर की ओर, इस तरह से आपको इसे करना है। और जीभ को जब हम ये चलाते हैं तो हालांकि सामान्य रूप से हम लोग खाना खाते समय चलाते हैं, बोलते समय जीभ चलती है, परंतु यह विशेष रूप से जब चलाते हैं हम लोग तो इसका विशेष प्रभाव देखने में आता है गले के ऊपर और हमारी पाचन क्रिया पर और हमारे स्टेमिना दमखम पर आता है और स्वाद के प्रति संवेदनशीलता के ऊपर आता है। कहा जाता है कि जीभ लंबी है बहुत, यानी ये बहुत ज़्यादा खाने को इच्छुक है, यानी ज़्यादा खाता है या ज़्यादा तरह का खाता है। तो यह जो है आपके भोजन के प्रति भी रुचि को बढ़ाता है। जिन लोगों की जीभ उतनी नहीं करती तो भोजन के प्रति रुचि नहीं रहती है, और यह आपके वाणी को ताकत देता है,
आपकी क्षमता को, बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। जीभ हमारी वाणी का सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी जीभ कट जाती है, वे नहीं बोल पाते हैं, यानी उनका बुद्ध नष्ट हो जाता है, तो आपकी अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। आपके मित्र बढ़ाने की क्षमता, आपका सामाजिक दायरा बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो लोग बोलने में प्रवीण नहीं हैं, वे सामाजिक दायरा ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं, तो जाहिर सी है उनकी प्रगति रुक जाती है। तो जीभ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे हर तरह की प्रगति के लिए, इसीलिए जीभ का निरंतर जो है आप वो करते रहें, या इसका मस्तिष्क से भी कनेक्शन है जीभ का। तो जिनकी जीभ अच्छी चलती है तो उनकी मस्तिष्क भी अच्छी चलेगी और बुद्धि का भी विकास यह करता है, तो हमारी इन क्षमताओं को यह बढ़ाता है। इसलिए इसका मस्तिष्क संबंधित कोई रोग हो या मनोविकार है या बुद्धि में विश्लेषण क्षमता कम है, एकाग्रता कम है, गणित की शक्ति कम है, तो यह बहुत ही वृद्धि करता है। और जिन लोगों को हृदय संबंधित कोई परेशानी होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, यानी रक्तचाप अनियमित है तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और यह इसका डायरेक्ट एक्शन सूर्य केंद्र पर होता है, इसलिए भूख बहुत जोरों से लगाता है, वायु गोले को दूर करता है, और जो व्यक्ति जीवन से हारने लगते हैं, यानी जिन्हें जीने में उतना रस नहीं आता है, जिन्हें अवसाद और इस तरह की बीमारी होती है, उनको यह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह अवसाद को दूर करने वाला है और जीवन रस को बढ़ाता है। जीवन जीने में सुख की वृद्धि करता है, तो यह आप करें, सुबह शाम करें, और अधिक से अधिक आपका इसमें 5 मिनट 6 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यह आपके लिए अत्यधिक ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज इतना ही, ओम।